अनुपमा शो में बुधवार के एपिसोड में सब कुछ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। टीटू को पीटने के बाद और शादी में तमाशा करने के बाद वनराज हवन कुंड में मटके से पानी डालने जाएगा, तो अनुपमा मटके को फेंक देगी और फिर दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगे। अनुपमा यही कहेगी कि ये शादी और प्यार डिम्पी और टीटू के बीच की बात है, तो आप इसका फैसला सिर्फ वो दोनों पर ही छोड़ दें। वहीं तमाशे की वजह से डिम्पी अपने आप को कमरे में लॉक कर लेगी। सभी लोग टेंशन में आ जाएंगे और दरवाजे पीटने लगेंगे। सभी लोग डिम्पी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहेंगे, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी और ना ही गेट खोलेगी। वहीं गेट के बाहर टीटू और वनराज तब भी बहसबाजी ही करते रहेंगे। इस सब ड्रामे के होते देख अनुपमा सभी को बाहर भेज देगी और डिम्पी से बाहर बैठकर बातें करने लगेगी। फिर अनुपमा से बातें करने के बाद डिम्पी अपना फैसला पक्का करेगी और मंडप में आ जाएगी। डिम्पी अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन साथ ही ये भी कहेगी कि टीटू ने उसका भरोसा तोड़ा है, लेकिन अपना अतीत बताने के लिए भी डिम्पी बहुत हिम्मत जुटा पाई थी और उसके बाद ही उसने अपना सच बताया था। डिम्पी कहेगी कि तपेश का दिल तो इतना बड़ा है कि उसने एक रेप विक्टिम, विधवा और एक बच्चे की माँ से प्यार करने का फैसला लिया था, तो क्या वो उसे सिर्फ उसकी छोटी सी गलती के लिए माफ़ ना करे। ये सब सुनकर डिम्पी टीटू से शादी के लिए तैयार हो जाएगी। वनराज शाह फिर से बीच में टांग अड़ाएंगे और कहेंगे कि तू पागल हो गई है डिम्पी, समाज क्या कहेगा। इस सब का जवाब देते हुए डिम्पी कहेगी कि पिछले 5 सालों से मैं जिंदा लाश बनकर घूम रही थी, तब भी समाज में से कोई मेरे आंसू पोंछने नहीं आया था। जब समाज ने उसके बारे में नहीं सोचा, तो अब वो समाज के डर से इतना अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे खो दे। डिम्पी कहेगी कि समर का फैसला भी इस समाज के खिलाफ था, लेकिन आप सभी ने उसका साथ दिया था, तो फिर अब क्यों तपिश में उन्हें खोट नजर आ रही है। अनुपमा भी सभी को समझाएगी कि कैसे तपिश एक अच्छा लड़का है और कोई भी माँ वही करेगी जो सुषमा जी ने किया। अनुपमा कहेगी कि अगर क्राइम करने वाला गलत है तो क्राइम सहना भी गलत है, और फिर सुषमा जी ने जो किया वो भी उनकी जगह वही करती। अनुपमा की बातें सुनकर लीला भी उनके फेवर में आ जाएंगी, सब ठीक होने लगेगा और फिर डिम्पी और तपेश वनराज को मनाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि वो आशीर्वाद देकर ये शादी होने दें, लेकिन वनराज बिना कुछ किए वहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।